हेलो गाइस, सो गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि कैसे हम लोग खुश रह सकते हैं, कैसे हम लोग सबके बीच रह के भी अपनी प्रॉब्लम्स के साथ रह के भी खुश रह सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो तो बोलते हैं दुनिया बहुत बुरी है, एंड दे आर सम पीपल जो बोलते हैं कि दुनिया बहुत अच्छी है। ये सिर्फ हमारी सोच होती है। अगर हम किसी चीज़ में अच्छा देखते हैं तो हमें अच्छा दिखता है, और अगर हम किसी इंसान में बुराई देखते हैं तो हमें बुराई ही दिखती है, कभी हमें उसकी अच्छाई नहीं दिखती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना नेम बता दूँ। मेरा नाम है नैन्सी और मैं आप सबको वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सोनी गर्ल पे। अभी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा। मेरे चैनल को रेट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट रूल ऑफ लाइफ इज लेट इट गो। जो भी हुआ हमारे पास में, बुरा या कैसा भी, आपके फेवरेबल कंडीशन में नहीं था या जो भी है, उसको भूलना सीखिए और उससे आगे बढ़ना सीखिए, क्योंकि आप पास की वजह से अपना प्रेजेंट बर्बाद कर देते हैं एंड फिर फ्यूचर में भी आप दुखी रहते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप अपने पास के बारे में सोचते हैं। अगर आपको लाइफ जीनी है, लाइफ में इंजॉयमेंट करना है, तो अपने पास्ट को भूलने की कोशिश करिए, उसको लेके मत बैठे रहिए। जैसे अपनी पुरानी लड़ाइयों को कभी अपनी नई लड़ाइयों में ना लाइए, वरना आपका फ्यूचर डार्कनेस में चला जाएगा। द सेकेंड पॉइंट इज इग्नोर देम। इग्नोर उन लोगों को जो लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो आपके लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, जो आपके फेवर में कभी नहीं होते हैं, तो आपकी चीज़ों को हर बार क्रिटिसाइज़ करते हैं और उल्टा सीधा बोला करते हैं। सो लेट इट बी। जो आपको खुशी देता है आप वो करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों की सुने। अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसमें आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है, तो गेट मोटिवेशन फ्रॉम योर सेल्फ। अगर वो आपका पैशन है तो आप उसे ज़रूर कंप्लीट करेंगे। अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हो तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे, बट अगर आपका इंटरेस्ट है वो जो आप जो करना चाहते हो उसमें आपको कभी भी बोर नहीं होगे। और चाहे पीपल कितना भी क्रिटिसाइज़ कर जाए, आप उनकी बात नहीं सुनोगे, आप सिर्फ अपनी चीज़ पे फोकस करोगे। एज इट इज़ आपको कभी दूसरों की नहीं सुननी है, आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो खुशी देता है वही काम करिए। थर्ड पॉइंट इज़ गिव टाइम। अच्छा, हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जब हम अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं, जब हम उन चीज़ों को, उन सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं, बट इट डजेंट मीन कि वो हमारी परमानेंट सिचुएशन है। सिचुएशन कैन बी चेंज। हर एक प्रॉब्लम को, हर एक चीज़ को टाइम देंगे तो वो टाइम के अकॉर्डिंगली अपने आप हील हो जाएगी। तो गिव टाइम टू योर सेल्फ एंड गिव टाइम टू हील एवरीथिंग, बिकॉज टाइम हील्स एवरीथिंग। डोंट कम्पेयर। जो मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, नेवर कम्पेयर योर सेल्फ विथ एनी वन। अगर आप अपने आप को हमेशा किसी और से कंपेयर करते रहोगे, यू विल नेवर विन। कॉम्पिटिशन रखिए, बट नेवर कम्पेयर योर सेल्फ विथ अदर्स कि उसके पास ज़्यादा चीज़ है, मेरे पास कम चीज़ है, गोरा है, मैं काला हूँ। नेवर कम्पेयर योर थिंग विथ एनी वन, बिकॉज आप जो हो, यू आर वेरी प्रीशियस एंड यू आर वेरी ब्यूटिफुल। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टे काम। अच्छा, हम लोग बहुत सारे सिचुएशन में पैनिक हो जाते हैं, बहुत वियर्ड बिहेव करने लगते हैं, बट जैसे मैंने आप लोग को बताया, थोड़ा सा टाइम दीजिए, टाइम विल हील एवरीथिंग। सो कहना मेरे लिए भी आसान होता है, अगर मेरे सामने ये सिचुएशंस आएंगी तो मैं भी उसे हैंडल नहीं कर पाऊंगी, बट इतना तो है, अगर मैं आप, क्योंकि मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, दिस थिंग्स विल हेल्प यू। अगर हमें कोई भी सिचुएशन को हैंडल करना है तो काम भी हैंडल करना पड़ेगा। अगर हम बहुत ज़्यादा पैनिक होंगे तो हम हड़बड़ी करेंगे, फिर हमारी चीज़ें गलत हो जाएंगी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब भी कोई भी सिचुएशन में फंसे तो ठंडे दिमाग से ही सोचें, एकदम एग्रेसिव होके ना सोचें। सो गाइस, द नेक्स्ट पॉइंट इज योर हैप्पीनेस इज़ ओनली योर हैप्पीनेस। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप अपनी खुशी के इंचार्ज हैं और आपकी खुशी आपकी ही खुशी है। अगर आप चाहेंगे तो खुश रह सकते हैं, आप चाहेंगे तो दुखी रह सकते हैं। किसी चीज़ को लेके, पास्ट के बारे को लेके आप प्रेजेंट अपना ख़राब कर रहे हैं, फ्यूचर अपना ख़राब कर रहे हैं। सो ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, कामली हैंडल करिए। आप ही हैं जो आपको खुश रख सकते हैं। कोई भी इंसान कोशिश कर ले आपको खुश रखने का, आप तब तक खुश नहीं होंगे जब तक आप नहीं चाहेंगे। अच्छा, कोई इंसान गुस्सा है, गुस्सा उसका ठंडा तभी होता है जब वो अपने आप को काम रखता है, जब वो खुद से सोचता है, अदरवाइज़ तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ना वो गुस्सा शांत होगा और वो ईविल बने बैठा रहेगा, ना किसी से बोल चाल, ना कुछ, वो खुश रह ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो अपनी हैप्पीनेस खुद नहीं ढूंढेगा, खुद में नहीं लाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इज स्माइल। स्माइल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम स्माइल करेंगे तभी हम खुश रह सकते हैं, एंड इवन स्माइल करना तो एक योगा भी है। स्माइल करने से हमारा फेस सही होता है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और स्माइल से हमारा एनवायरनमेंट भी हेल्दी और हैप्पी बना रहता है। तो गाइस, ये मैंने आपको 7 रूल्स बताए लाइफ के, कैसे हमें अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, कौन से रूल फॉलो करने हैं। पीपल आर वेरी डिप्रेस्ड, वेरी बिजी एंड दे डोंट नो हाउ टू हैंडल। अगर मैं बोलूँगी तो कहना आसान है, मेरे लिए इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हर इंसान ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है आज के टाइम पे,
उसको सपोर्ट की नीड है। कुछ लोगों के पास बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, कुछ लोगों के पास सपोर्ट है। कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन एंड सपोर्ट देगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज इट इज़ वेरी मोटिवेशनल। तब तक के लिए चलती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड वीडियो को रेट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलती हूँ, टाटा बाय बाय।